हाय मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटेड कम्युनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इससे पहले भी हमने कैंडल ब्लेंडिंग के ऊपर वीडियो बना रखा है तो इस वीडियो हम देखेंगे कि हमें कैंडल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करना ही क्यों है साथ ही साथ अगर इसका इस्तेमाल करना है तो कब और कहाँ करना है यानी कैंडल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल क्यों करना है कब और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी आप लोगों ने हमें कमेंट में पूछा उसको भी हम इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे चलिए सीखते हैं और समझते हैं तो यहां पे हम चार्ट पे आते हैं और देख सकते हैं ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है और कैंडल ब्लैंडिंग में कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि कैंडल ब्लैंडिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं फाइव मिनट टेन मिनट फिफ्टीन मिनट कोई भी टाइम फ्रेम का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है चलिए यहाँ पे अब हम सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं कि कैंडल ब्लेंडिंग हमें इस्तेमाल क्यों करना है और कहाँ पे करना है अब देखिए कभी कभी क्या होता है मार्केट का सिचुएशन हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं इस पार्टिकुलर पोज़िशन में देख लीजिए यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है एक आपका ग्रीन उसके बाद रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड इस तरह के का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा और यहाँ पे बायर का दबदबा है या फिर सेलर्स का दबदबा है मुझे यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जब भी कैंडल के बेसिस पे हमें मूवमेंट समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं हम एक साथ कई लोगों से पूछते हैं एक साथ कई कैंडल से पूछते हैं कि भाई तुम लोगों का आपस में क्या ओपिनियन है और जो ग्रुप का ओपिनियन होता है वो मोस्टली सही माना जाता है इंडिविजुअल के कंपेरिजन में तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे अब हम कैंडल ब्लेंड करेंगे अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पे हम कैंडल ब्लेंड कर रहे हैं? हम क्यों करें हम टाइम फ्रेम क्यों ना ना चेंज कर लें कई बार आप टाइम फ्रेम चेंज करके भी इसका फायदा उठा सकते हो लेकिन कई बार आपको उस टाइम फ्रेम का चार्ट ही नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर बात करते हैं कितना कैंडल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब आपको एट टाइम फ्रेम वाला चार्ट कहाँ पे मिलेगा एट डेज टाइम फ्रेम वाला चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पे हमें कैंडल ब्लेंडिंग सीखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें कैंडल ब्लेंडिंग करना पड़ेगा तो यहाँ पे अब मुझे ओवरऑल कुछ आइडिया नहीं मिल रहा तो यहाँ पे हम क्या करें कैंडल ब्लेंड करते हैं आप कहीं से भी कैंडल ब्लैंड कर सकते हो सबसे पहले हम इस चार कैंडल को ही ब्लैंड करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कुछ आइडिया मिल रहा है सबसे पहले कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ है यहाँ पे ओपन हुआ यह ओपनिंग पॉइंट है और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट हम काउंट करते हैं उसके बीच में जो भी हाई और लो होता है उसको हम काउंट करते हैं तो लास्ट कैंडल क्लोज पे दिया ये कैंडल आपका क्लोजिंग इसी के आसपास पास दिया यानी यहाँ पे क्लोजिंग दिया ये आपका बॉडी बन जाएगा और उसके बाद ये आपका टेल होगा नीचे में ये आपका टेल बन जाएगा देखिए ये आपका ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हुआ है कैंडल का कलर क्या होगा यहाँ पे कैंडल का कलर आपका ग्रीन होगा ठीक है अब ये क्या है ये आपका न्यूट्रल कैंडल का फॉर्मेशन किया मतलब यहां पे रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप और रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम भी देखने को मिल रहा मतलब यहां पे वेट करने जरूर है लेकिन ओवरऑल संकेत न्यूट्रल मिल रहा उसके बाद हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली जब लास्ट कैंडल फॉर्म हुआ इसको हम ब्लेंड करके देखते हैं जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो यहां पे क्या कुछ हो रहा है इसको इधर ब्लेंड करते हैं प्राइस आपका ओपन हुआ यहां पे और क्लोज कहां पे दिया यहां पे क्लोज दिया उसके बाद बॉटम आपका क्या है ये है टॉप क्या है आपका ये है मतलब ये आपका स्लाइटली पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है. अगर यहां से यहां ब्लेंड करते हैं क्या दिखा रहा है स्लाइटली पॉजिटिव कैंडल दिखा रहा है मतलब जो भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है अगर इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलता पॉजिटिव कैंडल है तो हम ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ ही उम्मीद करेंगे अगर इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो क्या करेंगे हम उस अपसाइड को प्ले करेंगे और वहां पे हम बाई साइड की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने कैंडल ब्लेंड किया है तो ओवरऑल हमें कुछ आइडिया नहीं रहा लेकिन यहाँ पे आइडिया क्या मिल गया यहाँ पे हमें पॉजिटिव कैंडल दिखा दिया मतलब यहाँ पे किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ज्यादा है वो बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा यानी यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं जो ब्रेकआउट देगा वो किस तरफ देगा अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस बहुत ज्यादा है जो कि हमें आइडिया नहीं मिल रहा था वो कैंडल ब्लेंडिंग के जरिए क्लियर कट आइडिया मिल गया अब यहाँ पे देखिए अगला कैंडल क्या हुआ ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ अब ये कैंडल क्लोज हो गया ठीक है अब यहाँ पे हम वापस से कैंडल ब्लैंड करके देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पॉजिटिव साइन ही मिलेगा इसको हम हटा देते हैं ओपन हुआ है यहाँ पे और क्लोजिंग कहां पे दिया है ये यह यहाँ पे क्लोजिंग दिया जब है जबरदस्त ग्रीन कैंडल देख सकते हैं कितना जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन पे हुआ है यानी यह पे जो का strength है, जो कैंडल का का स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है है बायर्स वो और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अगले कैंडल पे यहाँ क्या करेंगे हम बाइक साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे अब देखिए कैंडल ब्लैंडिंग के जरिए ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेनेबल है या नहीं है यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है उसका भी आइडिया हमें यहाँ पे मिल गया तो यहां पे हम ट्रैप से भी बच सकते हैं मतलब यहां पे आप जो ट्रैप बिछाया जाता है ब्रेकआउट दे के उस ट्रैप को भी यहां पे आप एवॉइड कर सकते हैं उससे आप बच सकते हैं आसानी से अब यहां पे देखिए यहां पे आपका एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जबरदस्त उसके बाद आपका रेड कैंडल फॉर्म कर दिया अब यहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है या फिर सेल करना है या फिर बाई करना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस दो कैंडल को ब्लेंड करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दो कैंडल ब्लेंड करने का तो अब दो दिन का चार्ट आपको मिलेगा कहीं पे नहीं मिलेगा डेली के बाद डायरेक्ट आपको वीकली चार्ट मिलता है इसलिए आपको कैंडल ब्लैंडिंग सीखने की जरूरत है टाइम फ्रेम चेंज करके नहीं कर सकते हो अब देखिए इस दोनों को ब्लैंड करके हमें क्या आइडिया मिलता है ये आपका ओपन हुआ है यहां पे और क्लोज कहां पे दिया है क्लोजिंग आपको यहां पे दिया है नीचे में छोटा सा और ऊपर में टेल लंबा सा मतलब यह कैसा कैंडल है अगर आप इसको सही तरीके से ड्रॉ करो ये क्या बनेगा याद कीजिए इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल यानी ऑफ़ प्राइस फ्रॉम द टॉप टॉप से रिजेक्शन हो रहा मतलब क्या है मतलब यहां पे बायर कमजोर हो गए और सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और अगर सेलर्स एक्टिव हो गए उसके बाद प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे जाता है या फिर इस कैंडल के लो को ही ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे सेल साइड की तरफ कब जाएंगे दो ऑप्शन है हमारे पास ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो इसको ब्रेक होने दीजिए नहीं तो रिस्क लेना है तो इसको ब्रेक होने दीजिए इसके बाद भी आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं अल्टीमेटली क्या करेंगे हम इस कैंडल पर सेल साइड की तरफ जाएंगे एसल हमारा यहाँ पर लंबा हो सकता है ये हमारा एसल होगा उसके बाद देखिए प्राइस आपका ऑल द वे नीचे साइड की तरफ गिरा है मतलब जहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन हो रहा वहाँ पर हम क्या करें कैंडल ब्लेंड कर रहे हैं और हमें क्लियर डायरेक्शन पता चल जा रहा है हमें क्या करना वो हमें पता चल जा रहा है तो कैंडल ब्लेंडिंग क्यों सीखना ज़रूरी है क्योंकि जब हमें मार्केट के मूवमेंट को समझ में नहीं आता है तब हमें कैंडल ब्लेंडिंग करना पड़ता है और वो हमें क्लियर डायरेक्शन देता है इसलिए हम कैंडल ब्लेंडिंग करते हैं कब करते हैं जब मार्केट का डायरेक्शन समझ में नहीं आता इसके बाद इसके बाद तो गिरावट क्लियर है यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस गिरता हुआ आया और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे वापस से बहुत सारा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि हमें कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा यहाँ पे रेड ग्रीन ग्रीन फिर रेड रेड फिर ग्रीन रेड ग्रीन रेड इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब मार्केट आपका एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है अब यहां पर हमें क्या करना ब्रेकआउट अप साइड की तरफ मिलेगा या डाउन साइड की तरफ कोई आइडिया नहीं है और यहीं पे क्या होते हैं जनरली लोग ट्रैप होते हैं अर्ली ब्रेकआउट को प्ले करते हैं या फिर अपने मन से मान लेते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर या नीचे देगा तो इसी टाइम पे आपको क्या काम आता है कैंडल ब्लेंडिंग इसी टाइम पे काम आता है यानी दो या दो से ज्यादा कैंडल को एक साथ हम कंबाइन करते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम लोगों का क्या ओपिनियन है फिर यहां पे हमें सटीक ओपिनियन मिलता है अब यहां पे देखिए कितना कैंडल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन कैंडल है यानी यहाँ पे आपको टेन डेज का कोई भी टाइम फ्रेम वाला चार्ट नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पे हमें इस सारे कैंडल को ब्लेंड करना पड़ेगा तो यहां पे देखिए टोटल कितना कैंडल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन यानी यहाँ पे इलेवन कैंडल है और इलेवन डेज का कोई भी चार्ट आपको नहीं मिलेगा कोई भी एडवांस चार्ट आपको प्रोवाइड करके नहीं देगा तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही सहारा एक ही उपाय है अगर आपको इसको समझना है तो कैंडल ब्लेंडिंग करना पड़ेगा अगर नहीं समझना है तो फिर कोई बात ही नहीं एंजॉय कीजिए जो मन है वो कर सकते हैं लेकिन अगर आपको यहाँ इस मूव को समझना है तो कैंडल ब्लेंडिंग करना पड़ेगा इन सारे इलेवन कैंडल को एक जगह बैठाना पड़ेगा पूछना पड़ेगा भाई तुम लोगों का क्या ओपिनियन है तब जाके सही ओपिनियन देगा अलग अलग लोगों से पूछोगे तो आपको भ्रम में डालेगा कोई बोलेगा बाइक कोई बोलेगा सेल इसलिए यहाँ पे हम सबको एक साथ कंबाइन करते हैं और आपने सुना होगा सी बी जनरली ऐसा काम करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मुजरिम रहते हैं अलग अलग बैठा के पूछते हैं तो लोग अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं लेकिन जब आमने सामने होता है तब जाके उनको क्लियर समझ में आ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है तो वही काम यहां पे करेंगे सब अलग अलग झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है एक साथ बैठाते हैं तब जाके ये सच बोलता है तब जाके हमें ट्रैप से बचाता है तो यहां पे क्या कुछ हो रहा है अब देखिए सबसे पहले हम एक दो तीन चार इन चार कैंडल को ब्लैंड करके देखते हैं क्या आइडिया मिल रहा है ये आपका ओपन हुआ है इसके करीब और क्लोजिंग दिया कहां पर क्लोजिंग दिया आपका यहां पर यानी ये आपका जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है यहां तक पूरा का पूरा बायर्स कंट्रोल में थे लेकिन एकाएक क्या हुआ मार्केट गिरा है यानी अगर यहां पे हमें ब्रेकआउट के लिए जाना भी होता तो जब इस लेवल को यानी इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलता तब बाई करते उसके बाद मार्केट गिरा है अब जब मार्केट यहां पे आया तब कैसा कैंडल फॉर्म हुआ ये आपका ओपन हुआ होगा इसी लेवल पर क्लोजिंग कहाँ पर दिया क्लोजिंग आपका यहां पर दिया यानी ये, ये आपका रेड कैंडल बनेगा ठीक है इसका हाई आपका यहां पर होगा और लो आपका यहाँ पे होगा मतलब ये आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा और ये जो होगा ये आपका ग्रीन कैंडल बनेगा मतलब हमें कैंडल ब्लेंडिंग में यहाँ पे हमें क्लियर आइडिया नहीं दे रहा कहीं है कहीं पे बायर्स आ भी है कहीं पे सेलर्स आ हावी यानी क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा है यहाँ पर हम आगे बढ़ते चलेंगे यहाँ पे वापस से सेलर्स आ भी दिखेंगे यहाँ पे वापस से आपको बायर्स आ भी दिखेंगे जब कैंडल ब्लेंडिंग से भी हमें क्लियर आइडिया नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम हाई मार्क कर लेते हैं और लो कर हैं ये चीज आपको समझना है कई कई बार मार्केट में क्वेश्चन आपको वही चीज जरूरी है उसके बाद हम देखेंगे कि से पहले क्या सिचुएशन था और ब्रेकआउट के बाद क्या सिचुएशन बना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहां पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला नीचे साइड की तरफ ठीक है इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो हम ब्रेकआउट वाले कैंडल को भी ब्लेंड करेंगे लेकिन उससे पहले इस कैंडल से लेके इस कैंडल इन सबको ब्लेंड करते हैं एक साथ 11 कैंडल को यहाँ पे हम ब्लेंड करेंगे देखेंगे क्या कुछ आइडिया मिल रहा है तो यहाँ पे हमें इन सारे कैंडल को ब्लेंड करके निगेटिव हिंट मिलना चाहिए या फिर न्यूट्रल हिंट मिलना चाहिए अगर इन सारे कैंडल को ब्लेंड करके यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट मिलेगा तो क्या करेंगे ये जो सेल साइड की तरफ इंडिकेशन मिला है यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे तो कैंडल ब्लेंडिंग के जरिए ये भी हम पता कर सकते हैं ये जो ब्रेकआउट है सही है या नहीं है तो यहाँ पे चलिए हम इसको ब्लेंड करते हैं ओपन हुआ है कहाँ पे हम इधर ही ब्लेंड करते हैं ओपन हुआ है ये आपका इस प्राइस के करीब क्लोजिंग कहाँ पे दिया क्लोजिंग दिया आपका इस प्राइस के करीब ठीक है ये कैंडल का बॉडी हो गया ये इसका हाइएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा अब देख सकते हैं ये आपका परफेक्ट न्यूट्रल कैंडल बना और इसको आप काफी हद तक डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं ठीक है अब डोजी कैंडल हमें क्या दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ बराबर हो गया अब यहां पे बायर्स ज्यादा था यहां पे सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा था यहां पे वापस से बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा था है. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ इन इलेवन कैंडल को ब्लेंड करने के बाद क्या पता चला है कि बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ बराबर हो गया यानी बी इक्वल टू एस यानी बायर्स इक्वल टू सेलर्स हो गया अब यहां पे हमें किसी भी तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है उस ब्रेकआउट के लिए जाएंगे लेकिन यहां पे अगर हमें सेंटिमेंट पॉजिटिव मिलता पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता है तो हम सेल साइड की तरफ नहीं जाते अब यहां पे उसके बाद ये आपका रेड कैंडल फॉर्म किया मतलब इसको ही ब्लेंड करके देखते हैं प्राइस आपका ओपन हुआ है यहां पर और क्लोजिंग दिया आपका इसके करीब यहाँ पर कैंडल का बॉडी क्या होगा ये आपका रेड बॉडी फॉर्म करेगा ऊपर में ये होगा और नीचे में छोटा सा टेल होगा मतलब ये आपका जबरदस्त निगेटिव कैंडल आया रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया यानी न्यूट्रल कैंडल के बाद बायोट सेलर्स का जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो गया जो स्ट्रेंथ है वो बराबर हो गया उसके बाद कौन हावी हुए उसके बाद सेलर्स हावी हुए सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया तो यहां पे हम क्या करेंगे ये कैंडल फॉर्म होने के बाद अगला कैंडल पे हम क्या करेंगे सेल साइड की तरफ जाएंगे और इस कैंडल का लेंथ ज्यादा है तो इसको हम एज एस एल यूज़ करेंगे नहीं तो इसको भी आप एज एस एल यूज़ कर सकते हैं उसके बाद देखिए प्राइस आपका धराधर नीचे साइड की तरफ गिरा अल्टीमेटली कहाँ तक गया पंद्रह आठ सौ से भी नीचे इवन आपका पंद्रह सात सौ के लेवल तक गिरा है अगर हम इस लेवल से बात करें तो लगभग आपका यहां से हजार पॉइंट का जबरदस्त गिरावट दिखाया है सोलह सात सौ के लेवल से ऑलमोस्ट पंद्रह सात सौ के लेवल तक गिरा है तो देख सकते हैं इन सारे गिरावट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर लिए कैंडल ब्लैंडिंग के जरिए हमने देख लिया कि ब्रेकआउट की तरफ देगा न्यूट्रल था ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ दिया हमें क्लियर हिंट मिल गया अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव था लेकिन यहाँ पे क्या किया यहाँ पे इसने बॉटम फॉर्मेशन किया यानी तीन कैंडल ने सेम बॉटम का फॉर्मेशन किया अब यहाँ पे अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जाए या फिर नहीं जाए तो क्या करेंगे इन तीनों कैंडल को ब्लेंड करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या कुछ आइडिया मिल रहा है निगेटिव आइडिया मिल रहा है या फिर न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव संकेत दे रहा कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ है ये कैंडल ओपन हुआ है आपका इस प्राइस पे वेट कैंडल है तो ऊपर ओपन हुआ नीचे क्लोजिंग दिया कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ कैंडल क्लोज आपका लगभग इसके करीब हुआ है यानी ये इसका बॉडी बन गया बॉडी यहाँ पे रेड होगा उसके बाद इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये रहा लोएस्ट पॉइंट आपका ये रहा मतलब ये भी क्या है कैंडल का जो बॉडी है वो रेड जरूर है लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम द टॉप भी है टॉप से भी रिजेक्शन ऑफ प्राइस हुआ है और बॉटम से भी रिजेक्शन ऑफ प्राइस हुआ है मतलब वापस से ये क्या फॉर्म कर दिया ये आपका न्यूट्रल कैंडल का फॉर्मेशन किया है सेंटिमेंट जबरदस्त निगेटिव है लगातार तीन रेड कैंडल फॉर्म हुआ है लेकिन तीनों रेड कैंडल को अगर हमने कंबाइन किया तो क्या बताया कि अल्टीमेटली सेलर्स का दबदबा है लेकिन यहां पे क्या हुए बायर्स भी यहां पे फुल्ली एक्टिव है और उसके बाद देखिए यहीं से मार्केट आपका ऑल द वे ऊपर साइड की तरफ निकला यानी नि, 15800 के लेवल से ये आपका 16400 के लेवल तक गया है अब यहां पे एक और चीज समझना कि इन सारे प्राइस एक्शन को देखिए मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लिया ऊपर में सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड है और नीचे में यही जो लोएस्ट पॉइंट है जो बॉटम फॉर्मेशन किया वहां तक कैंडल आया नहीं है तो ये भी आपका एक रेंज पकड़ लिया अब इसके बाद हमें क्या करना कुछ समझ में नहीं आया रेंज अच्छा है इस रेंज के बीच में भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं मल्टीपल टाइम जो कि हम इंट्राडे वीडियो वाले में रेगुलर बेसिस पे आपको बताते हैं लेकिन अब यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरफ देगा अपसाइड या डाउन देगा उसका आइडिया हमें कैसे मिलेगा तो यहाँ पे अब हम समझने की कोशिश करते हैं और जो ब्रेकआउट देगा वो रियल होगा या फेक होगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो अब यहाँ पे हम इन सारे कैंडल को एक साथ ब्लेंड करते हैं इस कैंडल को देखते हैं ओपन कहाँ पे हुआ हम इधर ही ब्लेंड करते हैं ये कैंडल आपका ओपन इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ओपन है यानी नहीं यहाँ पर ओपनिंग दिया और क्लोजिंग कहाँ पर दिया क्लोजिंग ये दिया आपका इस प्राइस के करीब ठीक है ऊपर में छोटा सा टेल होगा और नीचे में टेल लंबा जाएगा यानी नीचे में इस तरह का टेल जाएगा यानी ये आपका टाइप कैंडल का फॉर्मेशन किया यानी जबरदस्त ये आपका पॉजिटिव कैंडल है और रिजेक्शन ऑफ़ प्राइस फ्रॉम द बॉटम अच्छा खासा यहां पे हमें देखने को मिल रहा है यानी अल्टीमेटली यहां पे ये जबरदस्त पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है अब यहां पे अगर हमें ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ मिलता है यानी अगर ये 16,400 जो भी हाईएस्ट पॉइंट है 400 हो या 425 हो जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक करके अगर ये ऊपर निकलता और क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होगा उसको हम लोग काफी हद तक रियल ब्रेकआउट मानेंगे क्योंकि ब्रेकआउट से पहले हिंट हमें क्या मिल रहा पॉजिटिव मिल रहा है रिजेक्शन प्राइस फ्रॉम द बॉटम देखने को मिल रहा है तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम अपसाइड की तरफ जा सकते हैं बाई साइड की तरफ यहाँ पे हम जा सकते हैं तो इस तरीके से ओवरऑल सेंटीमेंट अभी हमें क्या दिख रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ दिख रहा है तो जो ये कैंडल ब्लेंड करके देखिए जो आइडिया हमें मिल रहा उस तरफ ब्रेकआउट देगा तो वो रियल होगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे साइड की तरफ देगा तो वो आपका फेक ब्रेकआउट होगा उसके बेसिस पे आपको नहीं जाना है ये क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमें कैंडल ब्लैंडिंग क्यों करना है कब करना है और हमें टाइम फ्रेम चेंज करके काम नहीं चलेगा हमें कैंडल ब्लैंडिंग सीखना ही पड़ेगा सो so, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद